गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे आरसी सर्किट और आरसी सर्किट के अंदर किस तरीके से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन होगा और उसके बाद में उसका फेजर डायग्राम एक्सप्रेशन बनने के बाद में हम न्यूमेरिकल उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने आरएल सर्किट देखा था, लगभग वैसा ही है, बट हमें पता है कि आरएल सर्किट के अंदर जो हमारा वोल्टेज है, ठीक है, करंट उससे लैगिंग बिहाइंड था पाई बाई टू, और जो आरसी सर्किट होगा उसके अंदर जो करंट होगा वो लीड करेगा पाई बाई टू वोल्टेज को। ठीक है, ये हमें पता था। बट अगर दो आर और सी एक साथ वोल्टेज अप्लाई किए जाए किसी एक सर्किट में, तो जो वी नोट की वैल्यू होगी, जो रिजल्टेंट वी नोट होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। आई नोट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय एमकेएस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, ये रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद में कैपेसिटेंस, ये हमने बनाया, और इसके बाद में एसी सोर्स, ये हमने लगाया एसी सोर्स, और ये आर, ये सी। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसे हम बोलेंगे वी आर। इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम सी मानेंगे। और ये इसकी जो इक्वेशन है सोर्स की, वो होगी वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमने स्टार्टिंग में सब में हम सबसे पहले सर्किट का डायग्राम बनाते हैं और जो भी अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है। अब देखियो, ये जो चेंजिंग वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में ये जो वोल्टेज सोर्स हमें दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो इसके रेस्पेक्टिव जो करंट आएगा उस करंट की इक्वेशन क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों, करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ करंट, ये करंट की इक्वेशन हमने लिख ली। अब बच्चों, करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे रेजिस्टर और कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा जो ड्रॉप हो रहा है वो हम लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट एंड्स ऑफ रजिस्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस और करंट तो सेम ही फेज में होते हैं। तो हमने देखा कि जो अगर सर्किट में हम केवल रेजिस्टेंस ही जब अप्लाई कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि जो करंट है और जो हमारा वोल्टेज है वो तो सेम फेज में ही है, उसके अंदर तो हमारा कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम कैपेसिटर के लिए लिखते हैं, देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, एट द एंड्स ऑफ कैपेसिटर
कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो बच्चों हम लिखेंगे वी सी इज इक्वल टू वी नॉट सी। ठीक है, अब हमें पता है देखो बच्चों कि सर्किट में जब कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, तो कैपेसिटेंस के केस में हमारा क्या होता था कि जो करंट है, ठीक है ना, हमारा जो करंट होता था वो वोल्टेज से पाई बाई टू लीड करता था, आगे होता था। तो हमको इसकी इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, माइनस पाई बाई टू क्यों किया, क्योंकि जो वोल्टेज होगा वो करंट से पीछे होगा इसके अंदर। ठीक है, वोल्टेज करंट से पीछे होगा तो हमने इसको पाई बाई टू पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने उतारा। अब देखो फेजर डायग्राम से जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो वेक्टर हमारा डायग्राम होगा उससे हम कैलकुलेट करेंगे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू वी नॉट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन बी फाइंड यूजिंग यूजिंग वेक्टर्स वेक्टर्स लगाते हुए हम सॉल्व कर लेंगे, और जो पीक वैल्यू वोल्टेज और करंट की है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए आप ये उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उधर की तरफ कैलकुलेट करके बताते हैं कितना होगा। मिटा देते हैं बच्चों इसे, देखो बच्चों अब हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है। देखो ये डायग्राम बनाया हमने, ये लैगिंग बिहाइंड होगा कौन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या होगा बच्चों, इसको हम लिख देते हैं वी नॉट सी। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा होगा इसे हम क्या लिख देंगे, वी नॉट आर, वी नॉट आर ये पॉइंट ओ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। जो कि एरेस के डायगोनल के अंदर इसे हम लिखेंगे वी नॉट, ये जो एंगल है इसे हम थीटा मानेंगे, और वी नॉट आर की डायरेक्शन में ही करंट भी होगा इसे हम लिख देंगे आई। अब जो वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना हमने सीखा था, ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग, और इसका हमने नाम नहीं दिया, पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं सी। हम बोलेंगे यूजिंग ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या लिखेंगे हम वी, हम लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, जिसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी। ओ सी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, ओ पी की भी वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आर
प्लस वी नॉट सी। ये लिख लिया बच्चों ने, अब इसके बाद में बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये हम निकाल चुके हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट यूज पाइथागोरस लो। पाइथागोरस लो लगाएंगे, पाइथागोरस लो इन ट्राइंगल ओएपी, ठीक है। ओएपी में अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो हम किस तरीके से लगाएंगे, ओपी हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी की जगह हम लिख सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे V नोट का स्क्वायर, ओ ए की जगह हमें दे रखा है V नोट R का स्क्वायर प्लस V नोट C का स्क्वायर। ये लिख लीजिए, आई नोट यहाँ पे बच्चों हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट R स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो I का भी आएगा, प्लस I नॉट स्क्वायर X C का स्क्वायर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तो वो हमने लिख दिया है। यहाँ से अगर हम I नोट की वैल्यू निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं, V नोट अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। देखो बच्चों I नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, बता सकते हैं आप लोग। I नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है V नोट अपॉन R। अब देखो V के अपॉन में जो क्वांटिटी है उसे तो हम R मानते हैं, V के अपॉन में जो है उसे हम तो रेजिस्टेंस मानेंगे, पर ये रेजिस्टेंस कंबाइंड इफेक्ट रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, जो कल भी हमने RL सर्किट के में लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो देखो इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमने लिखा। अब I नॉट अगर बच्चों ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं Z की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z आर सी, यहाँ लिख सकते हैं Z आर सी इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। क्या बोलेंगे हम, इम्पीडेंस जेड आर सी को, ठीक है। तो
एक्स सी की वैल्यू 1/c सी ओमेगा, ये क्या हो गया सी स्क्वायर 1/c सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। बच्चों की जगह हम ओमेगा की जगह 2πf भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई इम्पीडेंस की, ठीक है। अब हम इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिख लीजिए आप, मिटा देते हैं इसका। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं फिर से। ये है वी नॉट सी, ये हमने बनाया था वी नॉट आर, और यहां से ने माना था थीटा, पॉइंट रखे थे ओ, इसको रखा था ए, ये पी और ये सी। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए पी, अपॉन बेस क्या है ओ ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी को ओ सी अपॉन ओ ए, ठीक है बच्चों। और ओ सी अपॉन ओ ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी को हम लिख सकते हैं वी ओ सी अपॉन, हमारे पास क्या बचा है वी ओ आर ओ ए की जगह, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू V नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट एच सी अपॉन V नॉट R की जगह I नॉट R, I नॉट से I नॉट कैंसिल, तो tan थीटा हमारे पास आएगा एच सी अपॉन R। तो थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एच सी अपॉन R। एक्स सी की जगह आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स सी की जगह आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा इज इक्वल टू 1/c इंटू 2πf। ये भी हम पुट कर सकते हैं जब न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने होंगे, और जिस तरीके से हमें वैल्यू गिवन होगी उसी तरीके से हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा के आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट है हमारा, ठीक है, तो करंट से थीटा डिग्री पीछे वोल्टेज चल रहा है, करंट से थीटा डिग्री। देखो हमें पता है कि जो I नॉट है करंट और वोल्टेज, इसमें पाई बाई टू, ये देखो ये एंगल कितना है पाई बाई टू, लैगिंग करेगा, लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज, करंट से कितना होगा पाई बाई टू, पर हमें पता है कि रेजिस्टेंस उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और ये पाई बाई टू पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, तो बीच में कहीं रिजल्ट हमें मिलेगा। और वो हम जानते हैं कि अगर एक ही सर्किट में दो अलग अलग पोटेंशियल लग रहे हो तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल हमने निकाला वो पेंडुलम लॉ के अकॉर्डिंग बीच में जो उसका डायगोनल है
उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो हमने देखा कि ये जो करंट है ये थीटा डिग्री आगे है किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज इससे पीछे है। तो अब हम करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो बच्चों करंट की इक्वेशन क्या है, ये इफ करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई एंगल थीटा देन क्या लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। उतार लीजिए बच्चों इसको, अब हमें इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी हम देख रहे हैं बच्चों। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं सर्किट के अंदर, हम देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस है, एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक रेजिस्टेंस। अब दो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहे हैं सर्किट में, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो हमने इम्पीडेंस बोल रहे हैं जेड, उसको भी हम वेक्टर लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसको हमने क्या बोला था, इम्पीडेंस कैन बी फाइंड यूजिंग वेक्टर लॉ ठीक है। तो उतार लीजिए वहां पे वेक्टर लॉ से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों वेक्टर लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो ये डायग्राम बनाया हमने फिर से, ये क्या होगा आर, ये एक्स सी जिसे हम हमारा कौन सी होने का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सी लिख लीजिए, और ये जो रिजल्टेंट आएगा इसे हम बोलेंगे जेड ठीक है बच्चों। और जो Z की वैल्यू थी वो हमने कितनी निकाली थी, पॉइंटर दीजिए O A P ये C ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर Z इज इक्वल टू, फाइंड आउट करेंगे Z कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर रूट के अंदर, सेम डायग्राम हमने Z के लिए भी बना लिया। उतार लीजिए ये जो फेज डिफरेंस है ये भी कितना रहेगा थीटा, तो अगर हमें यहां से tan थीटा निकालना हो इनका फेज डिफरेंस तो हम कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्स सी अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, ये भी निकाल सकते हैं हम।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसके रिजल्टेंट वेव बना के दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो जो हमारे रिजल्टेंट वेव होगी इसके अंदर करंट किस तरीके से आगे चलेगा वोल्टेज से। हमने देखा थीटा, ठीक है, ये थीटा डिग्री से आगे चलेगा, तो हम वो डायग्राम बनाएंगे। देखो बच्चों थीटा डिग्री से जब आगे जाएगा तो हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। वेव डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से वेव जाएगी, ये हम जानते हैं, वोल्टेज के लिए आती है हमेशा। अब हम बनाएंगे करंट के लिए जो कि लीड कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये बना लिया हमने। देखो ये जो है ये है थीटा, और ये जो इक्वेशन हम मान रहे हैं ये हम मान रहे हैं, ये है करंट वेव आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये देखो लीड कर रही है करंट, हम इसका फेजर डायग्राम भी कंप्लीट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम इसका फेजर डायग्राम भी बनाते हैं बच्चों। फेजर डायग्राम तो फेजर डायग्राम के लिए मैं क्या करना होगा, फेजर डायग्राम के लिए बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि जो करंट होगा वो आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा, तो फेजर डायग्राम इजीली हम बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था सिंपली। तो देखो इस तरीके से सबसे पहले लाइन बना लीजिए, ये वाई और ये हम मानते हैं एक्स। अब यहां से देखो यहां से कोई भी जो एंगल है हमारा, ठीक है, वहां पे हम मान लेते हैं वी नॉट आर, ये मान लिया मैंने वी, ठीक है बच्चों, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। तो अब और इसी के साथ में क्या होता है बच्चों, करंट, इस करंट से पाई बाई टू पीछे कौन होगा, हो गया एंगल पाई बाई टू। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, इस ट्राइंगल को अगर हम कंप्लीट करें, देखो बच्चों तरीके से अगर हम इसे कंप्लीट करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, दोबारा बनाते हैं हम इसे,
यह अगेन का रिजल्ट है जिसे मैं बोलूंगा वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा बच्चों ओमेगा टी, तो देखिए ओमेगा टी प्लस थीटा पे कौन मिलेगा हमें करंट, ओमेगा टी प्लस थीटा पे हमें क्या मिल जाएगा इसके अंदर करंट, ये रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो ये इसका फेजर डायग्राम भी कंप्लीट हुआ, अब एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर करके देखते हैं फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरड, क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस हमें गिवन है बच्चों 100 माइक्रोफेरेड और रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस ये हमें दे रखा है बच्चों 40 ओम, ठीक है। बाद में हमसे पूछा है इस कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन सर्किट, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों इधर फाइंड आउट कर लेते हैं, बच्चों क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें दे रखा है R, R इज इक्वल टू 40 ओम, और हमें क्या दे रखा है वोल्टेज दे रखा है AC सोर्स का, तो ये हमें क्या दे रखा है VRMS इज इक्वल टू 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 60 हर्ट्ज, और वैल्यू हमसे पूछी है बच्चों आई नॉट की, ठीक है। तो आई नॉट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट ये हमसे पूछी है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चों आई नॉट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आई आर एम एस, जो कि क्या होगा हमारा
Vrms अपॉन Z, ठीक है, Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Vrms अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर, उतार दीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करते हो। तो देखो बच्चों, ये हमें दे रखा है Vrms, अब Irms जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, Vrms कितना दे रखा है 110, और आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2πfc, एक्स सी की जगह हम सी ओमेगा लिख सकते हैं, और सी ओमेगा को हम 2πf और सी को सी लिख देते हैं, और स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। वैल्यूज पुट करके देखते हैं, Irms इज इक्वल टू 110 अपॉन आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस ये हम कैलकुलेट करेंगे xc का स्क्वायर है बच्चों, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 60 हर्ट्ज, इंटू कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 100 माइक्रोफेरड, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 110 अपॉन, इसको आप सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा लगभग 48, और जो हमारा आंसर होगा Irms इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.29 एम्पियर, ठीक है। अब अगर हमें आई नोट की वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं वो क्या होती है, Irms इंटू रूट टू, ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। Irms ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये ना रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, उतार लीजिए। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, RC सर्किट हमने कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम LCR सर्किट पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और LCR सर्किट उसके रेजोनेंस कंडीशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अल्टरनेटिंग करंट जो कि क्लास 12th में एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, आपको काफ़ी आसान लगेगा और डेफिनेटली आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करके दिखा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।